नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिन्हा है और मैं काफ़ी दिनों से फिल्में कर रहा हूँ। ये फिल्म जो काजल है, इसके निर्देशक विभूषण जी हैं और मुझे पता नहीं था कि उनका फोन आया कि साहब आप इतनी बोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करेंगे, लेकिन मुझे बताइए कहानी क्या है। तो उन्होंने कहानी बताई तो मैं स्तब्ध रहा। ये कहानी एक ऐसे वाक्य है जो ना कहते हैं ना, जैसे ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है, क्या करूँ। उस पेश पेश में एक चौराहे पर आगे खड़ा हो जाता है और एक्चुअली है ये फिल्म वुमन ओरिएंटेड। उसमें उसकी बेटी का सवाल पड़ रहा है कि क्या करिए, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। एक आदमी उसको चीट कर रहा है, दूसरा उससे प्यार करता है। अंत वो फैसला लेती है कि जो मुझसे चीट कर रहा है उसको समाप्त कर, खुली हवा में आज़ाद होते जाए। तो मैं एक ऐसी बेटी का बाप का रोल कर रहा हूँ, बेटी के बाप का रोल, जो आज़ाद ख्याल की तो नहीं है लेकिन बाद में बहुत इंडिपेंडेंट होती है। जब इंडिपेंडेंट होती है तो सबसे एक अच्छा समझ। एक जो फिल्म है उसका नाम है काजल। सर, काजल फिल्म का नाम है काजल। आज आप काजल लगा क्यों नहीं? सर, काजल लगाना तो मेरा काम नहीं है। कि नहीं, काजल तो अभी जो उसकी महिला कलाकार है वो लगाएंगे। नहीं, अगर सीधा अगर काजल लगाएंगे तो हाँ, काजल लगाने के लिए नहीं, काजल देखने के लिए। हमारे लिए काजल देखना बहुत अच्छा लगता है। फिल्म से जुड़े और नहीं, मैं टेंशन फ्री आदमी हूँ इसलिए मुझे काजल वाजल की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे काजल देखना है। फिल्म में आपके अलावा और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? मेरे इस फिल्म में इसमें एक बड़ा ही सशक्त अभिनेता है जिसका नाम है दिलीप सिन्हा। वो उसमें एक मुख्य किरदार कर रहा है और काजल के साथ। हाँ, ये मैंने बताया, मैं बताना भूल गया। काजल इस फिल्म में जो रोल कर रही हैं वो हमारी पुरानी अभिनेत्री हैं माया जी, माया यादव जी की वो बेटी हैं। माया जी के साथ मैं पहले बहुत काम कर चुका हूँ। ये पहली फिल्म है जो मैं काजल के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी सक्षम होगी इस बात को करने की। उनसे मिल के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है कि काफ़ी प्रदर्शन काफी नहीं कर रही हैं। भोजपुरी की जो स्थिति अभी चल रही है कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये भोजपुरी की स्थिति में क्या है, मैं अभी इसे मैं क्या कहूँ। अभी लगता है कि ये मोनोपोली हो गई है, जो हमारे सितारे उनकी मोनोपोली हो गई है। और कभी कभी लगता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मोनोपोली, वो जो चाहते हैं वही करवाते हैं। और हम नाम लेकर बताना चाहेंगे कौन हीरो हीरो मोनोपोली में है? मैं क्यों अपना दुश्मन पैदा करूँ यार? और मैं तो एक सह कलाकार हूँ सर, किसी को तो ऊपर आना पड़ेगा। मैं क्या कर सकते हैं, हम कितने लोग आए, कितने लोग बोले, कोई सुनने को तैयार है क्या? कोई किसी की बात को मानने को तैयार है? एक कोई रेगुलेशन रेजुलेशन है ही नहीं हमारे भोजपुरी सरकार का, होना चाहिए। लेकिन बस एक भेड़ चाल है, प्रोड्यूसर निर्माता हीरो को साइन करता है, हीरो को साइन करता है। कल हमारा सिनेमा तो बन गए, हीरो साइन हो गए, ध्यान से चल ऐसे सिनेमा नहीं बनते। सिनेमा बनाने के लिए इमोशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तन मन धन सब, तब जाके सिनेमा बनता है। सिनेमा खाली वो इस तरह के चालू गाने वाने बना करता। दूसरा, ये जो गाना आजकल बनता चला है उसके बारे में मैं कहना, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आजकल जो ये गाना बनता चला है उसमें भी चलता है, जो इतना विमर्श कर दिया है, इसके स्तर को इतना गिरा दिया है कि साथ में किसी को बैठ के सुनना भी नहीं अच्छा। लिरिक्स राइटर रंजू सिन्हा जी हैं उपलब्ध, उनके ऊपर कुछ आरोप है? मैं वहीं आ रहा हूँ। काट दिया। अभी हम लोग काजल का गाना सुन रहे थे, इसमें एक भी अपशब्द, एक भी ऐसी कोई बात नहीं सुनने में आई। मतलब अच्छी गाना लिखते हो जी? लिखती नहीं लिखती वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना जाऊँगा सुना उसके बारे में। मतलब सभी ऐसे ही है कलाकार के, जो सिंगर है जो सब ऐसे ही गाने गा रहे हैं। गाने इस फिल्म के अच्छे हैं ये बात, इस बात नहीं, इस फिल्म को छोड़ के जो बाकी जो गाते हैं सब सिंगर लोग, उनके बारे में आप बोल रहे हैं? सिंगर के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। सिंगर तो बेचारा गरीब आदमी होता है, उसको देता है क्या क्या, वही गा देता है। ये बात तय होता है संगीतकार और निर्माता के बीच कि क्या गाना होना चाहिए, कैसे चीप गाने बनाए जाए कि ऑडियंस चल के आए, एल्बम बना कर लोगों को हॉल में मंच मंडलों को बिठाया जाए। थोड़ा स्तर को बढ़ाइए और अच्छे लोग आएंगे, अच्छे गाना, अच्छा संगीत होगा, भोजपुरी का ही नाम होगा, आपकी ही तारीफ होगी, आप ही आगे बढ़ेंगे। खराब चालू गाने बनाने से ऑडियंस आकर नहीं बैठ जाएगी, और वो आगे बैठेगी और चली भी जाएगी। मैं पिछले 44 साल से सिनेमा में काम कर रहा हूँ, तो पहली कलर भोजपुरी फिल्म का नाम था जंगल। आज तक उस फिल्म को गाने को देख लीजिए और आज जो बनता है उस फिल्म को देख लीजिए, आसमान जमीन का फर्क लगेगा। उसमें भी गाने बनते हैं।
पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, अरे सिनेमा बनाओ, पैसा क्या बनाओ, सिनेमा बनाओगे तो पैसा मिलेगा ना, उसके विषय में आपको कुछ नहीं, बस प्रपोजल बना दो, बेच दो और कहीं लगे कहीं लगे क्या हो, मेरा पैसा है इसमें, सबका 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 सत्यानाश हो जाता है, सबका एक तरह से अंत कर दिया जाता है। थैंक यू, मैं कितना कोशिश करूँगा, वो कितना कोशिश करेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचा। थैंक, तो मेरा यही एक समझ आग्रह है कि प्लीज़ एक अच्छा सिनेमा बनाइए, सबकी उन्नति। थैंक यू, थैंक यू ऑल द बेस्ट। यार रोल आनंद जी, आए आनंद जी एक बार फिर से। फिल्म के बारे में पूछना है शुरुआत का। चलिए जी, फिल्म काजल का मुहूर्त किया गया है, इससे पहले आप बताएं आप क्या अंदर कौन सा गाना रिकॉर्ड हो रहा था और कैसे आप इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं? काजल फिल्म के लिए जो गाने रिकॉर्ड हुए हैं वो मैंने ही लिखा है। एक्चुअली जो डायरेक्टर है हमारे भूषण जी, उन्होंने फिल्म की स्टोरी डिस्कस करते वक्त बताया कि ये नारी शक्ति से रिलेटेड मूवी है, कि समाज में जो नारियों को थोड़ा नीचा दिखाते हैं या के साथ बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ अस्मिता को ठेस पहुँचाते हैं, तो इन सबको लेकर शायद सब्जेक्ट है। तो मुझे नारी क्या है, नारी के बारे में क्या धारणा पहले रही है, क्या आज बदलाव आया है, तो नारी आज क्या क्या कर रही है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें गाना लिखने के लिए बोला गया था। तो मैंने गीत लिखे हैं और अभी रिकॉर्ड हुआ है, बहुत अच्छा लगा। मोहन राठौर जी ने गाया है, एस कुमार म्यूजिक डायरेक्टर है, और गाने का बोल है बिटिया बा सबला अबला ना बोल रहे, आई नयका जमाना अब सूझ भैल सूझे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैंने लिखा है और देखे पब्लिक से क्या, तो सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने लिखा है। और जब भी मैं कोई भी मूवी के गाने मिलते हैं, जैसे भूषण जी का एक और फिल्म मैं कर रही हूँ जितिया एगो विश्वास, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉन्ग लिखते हैं। सिनेमा है तो उसमें हर तरह के गाने होते हैं, आइटम वगैरह भी होते हैं, सब होते हैं। तो लिखते वक्त मेरा ये ध्यान होता है कि हम वल्गर ना लिखें, चुटकीले शब्द हो, क्योंकि सिनेमा है रामायण नहीं है, तो वो अश्लीलता से थोड़ा दूर हो, वो सब नहीं हो, हमारी कोशिश होती है। अभी बताया गया मुझे कि आपकी फिल्म को अवार्ड भी मिला है। हाँ, वो हमने फिल्म बनाई, प्रोड्यूस की थी, मलेशिया में पूरी शूटिंग की थी, और मैथुर फिल्म थी, जय हो जगदम्बा माई, जय हो जगदम्बा माई, सुदीप पांडे हैं, मिलन गिरीश शर्मा जी थे और डायरेक्टर थे राज वर्मा जी। तो वो फिल्म पूरी की पूरी शूटिंग मलेशिया में हुई, वहाँ पर इसलिए हमने शूट की थी कि लोकेशन कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा और साउथ इंडियन मंदिर वगैरह बहुत है, तो जनरली यहाँ पे शूट करते हैं तो कहानी जो भी हो, गाने जो भी हो, बट लोकेशन वही वही मिलता, तो जब चेंज के लिए हमने बाहर किया और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो थैंक यू सब रंग ऐसे करते हैं, फिर थैंक यू, थैंक यू मैम। रोल जो हमारे AR डिजिटल एंटरटेनमेंट के तहत बन रही है, जिसके निर्माता हमारे आदिल साहब हैं, ये फिल्म विमेन ओरिएंटेड फिल्म है और महिलाओं को प्रधानता दी गई है। हमेशा की तरह जो पिछली हमारी सारी फिल्में आई हैं वो सब में महिलाओं का विशेष ये रहता है, विमेन ओरिएंटेड फिल्में ही ज़्यादा बनाया हूँ, तो काजल भी वन ऑफ दैट उसमें से एक काजल। काजल एक लड़की का नाम है एंड फॉर्चुनेटली काजल यादव इस रोल को कर रही हैं, तो काजल भी काजल है और हीरोइन भी काजल है, और हीरोइन भी काजल है, इसीलिए मैंने कहीं कहीं दिया भी है एडवर्टीजमेंट में कि काजल एज एन इन काजल। ब्रजभूषण जी, नाम तो कुछ भी रख सकते थे आप फिल्म का, काजल के बजाय पूजा, मंजू, नाजिया, कुछ भी रख सकते थे, काजल नाम क्यों रखा? देखिए, काजल एक ऐसी चीज़ है कि ये समझिए तो जरा सा लग जाए, काली काजल काला होता है, और काजल ऐसा है कि अब जरा सा लग जाए तो तिल का काम करता है, ब्यूटी बन जाती है, आँखों में जाए तो और भी हुस्न बढ़ जाता है, और यही पूरे मुँह पर लग जाए तो काली। तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल काजल रखा है, कि कहानी भी कुछ इस तरह की ही है, जो मैं विशेष तौर से कहानी के बारे में तो ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है इसमें। यह आदित्य मोहन जी, आदित्य मोहन जी इसमें बड़ा ही चैलेंजिंग रोल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम हीरो हैं जो चैलेंजिंग रोल करते हैं, जैसे कि हमारे शाहरुख साहब ने किया था, शाहरुख खान ने डर फिल्म की थी,
गोदड़ फिल्म में उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि उस फिल्म को कई लोगों ने इग्नोर कर दिया था और ना कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आदित्य जी हमारे सानिध्य में पहले भी कई फिल्में किए हैं, सानिध्य क्या हमारे डायरेक्शन में फिल्में किए हैं, तो ये इनमें वो बोल्डनेस है और वो वैसा इनका वो क्या बोलते हैं ग्रूम अप किया गया है कि ये हर तरह का रोल करने के लिए तैयार रहते हैं और इसमें हीरो हैं, फिल्म के नायक हैं और नो डाउट कि बहुत ही चैलेंजिंग रोल है जो इन्होंने स्वीकार किया है और बहुत ही अच्छा। आदित्य एक महिला प्रधान फिल्म क्यों चुनी करने के लिए? सर इसके पहले सबसे पहले सब पीछे बहुत पीछे प्रेम में रहे ठीक है। एक एक्टर को बेसिकली जरूरत होती है वो परफॉर्मेंस कितना निभा देता ये पर डिपेंड करेगा। महिला प्रधान फिल्म का अगर बात करी जाए तो ऐसे पहले हम सर के संग विजयनी कही थी और विजयनी टाइटल शाहरुख गुंजन का पूछ ही रही टाइटल वो फीमेल ऑर्डर टाइटल वहाँ परफॉर्मेंस करने को उसमें अच्छा मौका मुझे मिला। हिंदी फिल्म थी और फिल्म डी पे टेलीकास्ट छुट्टी वाला हुआ तो एज अ परफॉर्मेंस वाइज फिल्म में बहुत कुछ करने को मिलता है। फीमेल ऑर्डर सब्जेक्ट है पर मेल के लिए काम ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट भले ही सर का वैसा फीमेल ऑर्डर मुझे कॉन्सेप्ट सुनकर अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ करने के लायक। रघुभूषण जी के डायरेक्शन में आपने पहले भी काम किया है और क्या कहना चाहते हैं आप? और सब तो अपने हर फिल्मों को फीमेल ओरिएंटेड बताते हैं पर सेट पर जाने के बाद मुझे लगता है कि काम मेरे लिए ही ज़्यादा है। मैंने इससे पहले मोहब्बत के सौगात किया वही फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, जब प्रोमो देखा और जब ऑडियंस से फिल्म देखा तो नो डाउट लोग बताए फिर उसका विजयनी में मुझे अच्छा लगा, फिर उसका करब या कचहरी में और इसके बाद ये काजल करने जा रहा हूँ तो ये प्लेसेस उम्मीद करता हूँ कि सर के साथ आजीवन ऐसे ही सर के डायरेक्शन में काम करते रहें और मज़ा आते रहे। और आदित्य सर का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कास्ट किया, उन्होंने रेडी किया मुझे इस कैरेक्टर करने के लिए और सर तो बहुत दिनों से मुझे सुना रहे थे स्क्रिप्ट तो फाइनली आई एम डूइंग दिस और मज़ा आएगा करते मुझे। जी बताइए ज़रा फिल्म के बारे में बताइए आप, बेसिकली फिल्म बनाया जाए ये ख्याल कैसे आया, कैसे मुलाकात हुई ब्रजभूषण जी से? मुलाकात हो गई उनसे जी, अभी कैसे बताऊँ कैसे बस वो भी मुलाकात कद्दर में लिखा था मिलना वो फिल्म बनाने के वो इनको लेके बना रहा हूँ मैं। मुलाकात के बाद ही पहले से सोचा था मैं और सोचता भी रहा कि कभी लाइफ में ये करूँ फिल्म बनाऊँ, वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। जनाब आप हिंदी में बना सकते थे, किसी और भी भाषा में बना सकते थे, भोजपुरी को क्यों चुना गया, कोई खास उद्देश्य? उसकी वजह है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी, तो वो जबान हमारी अपनी है, हमने सोचा कि इस तरह की फिल्म बनाई थी। एक्टर्स के जो सिलेक्शन में भी आपके कुछ आपने कुछ कमेंट्स किए कि ये एक्टर रखना चाहिए ये एक्टर नहीं रखना चाहिए या कहानी में कुछ आपने फेरबदल करवाया अपने हिसाब से? कहानी तो कहानी सुनी, जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ फेरबदल किया गया, सारे लोग बैठे और फेरबदल किए उसे सही किया गया। आपने भोजपुरी की फिल्में देखी हैं? बहुत सारी फिल्में देखी लेकिन नाम मत पूछ लेना। तो अब क्या ये फिल्म क्या कब शुरू हो रही है और इसके बाद के क्या प्लान है? इसके बाद ये रिकॉर्डिंग के बाद शूटिंग। थैंक यू सर, डिमांड था लंबे लाग वाला ये इस फिल्म का नाम ऐसे ही नहीं काजल रखा गया है, इसमें बहुत ही जैसे एक वो चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमेन्स एम्पावरमेंट हो रही है आजकल, तो हम माइक ऊपर कर फिल्म को बना रहे हैं और बहुत ही बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है जो हमारी जो महिलाएं होती हैं जो भोजपुरी से रिलेट नहीं करने पाती है, तो मैं ये एश्योरिटी देती हूँ कि वो जब ये फिल्म देखेंगी तो वो बहुत कनेक्ट होंगी और इस फिल्म से उनको बहुत कुछ हिम्मत मिलेंगी कि आगे वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें। एक महिला प्रधान फिल्म के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है जो लीड एक्ट्रेस होती है उस पर, क्योंकि फिल्म का सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, इस प्रेशर को झेलने के लिए आप तैयार हो, इस मानसिक चैलेंज को झेलने के लिए आप तैयार हो? जी जी, मैं तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि फिल्म मेरी जल्द से जल्द और रोक पे जाए और प्रेशर तो है बट उसके अलावा बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि मेरी करियर के इतने कम पड़ाव में इतनी अच्छी फिल्म जो मेरे ऊपर बन रही है और
ऑडियंस का आशीर्वाद है जो मुझे इतने कम वक्त में मुझे इतना प्यार दे रही, सम्मान दे रही है। और मैं बस यही आप सब से यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये फिल्म जो काजल है बखूबी से मैं ये यहाँ पर और आप सबको बहुत भूषण जी के डायरेक्शन में काम करने जा रहे हो आप, आदित्य मोहन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हो, इन दोनों के बारे में कुछ कहना चाहते हो? ब्रिज जी की बात मैं ये बताऊंगी कि मेरी मम्मा जब पहली बार भोजपुरी फिल्म में आई थी तो उन्होंने ही उनके अंडर फर्स्ट फिल्म की थी और मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे ब्रिज जी ने एज हीरोइन फिल्म में कास्ट किया है। और हमेशा से मेरा ये रहा है कि जो भी दिग्गज डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं मैं उनके साथ काम करूँ, उनसे बहुत कुछ सीखूँ, तो बस एक आशीर्वाद मिला है। और आदित्य जी के साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मेरे सीनियर हैं, तो बस मैं ये उम्मीद करूँगी कि अब तक की जैसे मेरी जिनके साथ भी फिल्म आई उनके साथ आपकी जोड़ी बहुत ही उन्हें पसंद किया है तो उनके साथ भी जोड़ी मिला। काजल और कौन कौन सी फिल्में हैं आने वाली फिलहाल? जी आने वाली फिल्म है चिराग, बंधन प्यार की, सीता गीता। अवार्ड फंक्शन में आपको नॉमिनेट किया, आपने क्या कहना? आपको अवार्ड मिला बेसिकली? जी जी मुझे कलाश्री के इसमें अवार्ड मिला है और बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे उसके ऑर्गेनाइजर हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, उन्होंने मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया और उन्हें कहीं ना कहीं मेरी काबिलियत पे मतलब लगा कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए। और बस मैं थैंकफुल हूँ और हमारी इंडस्ट्री के सभी महान कलाकारों को शुक्रिया कहूँगा जिन्हें मेरे सामने मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू। मूर्त किया गया है काजल, कुछ कहना चाहते हो आप यहाँ पे? जी काजल बहुत अच्छी फिल्म है, जैसा मैंने स्टोरी पढ़ा है मुझे पसंद आई है और मैं मनोकामना करूँगा कि ये काजल जी की फिल्म चले। और काजल एक बहुत ही ये नाम के ऊपर है इसलिए कुछ अलग होगा इस फिल्म। सुधीर आपने एक फिल्म की अभी आज़ाद परिंदे शूट करके आए हो, ज़रा कुछ बताना चाहते हो अपने किरदार के बारे में? मैंने मूवी किया आज़ाद परिंदे, अभी हमारा शूट चल रहा था गोरखपुर में और बहुत ही अच्छी फिल्म है, पूरा एक्शन मूवी है। हमारे साथ हमारे अपोजिट प्रमोद प्रेमी जी हैं और बहुत अच्छी पिक्चर है और गाने उसके बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है भोजपुरी में जो गाने के महत्व है वो उसमें समझ में आएंगे, बहुत ही अच्छी मूवी है। आप सिंगर भी बहुत अच्छे हो, गाने सुनाना चाहते हो हमारे ऑडियंस को? जी मैं अपना एक गाना गाता हूँ, मेरा एक एल्बम आया था पागलपन, तो दर्शकों ने बहुत प्यार दिला दिया तो मैं वो गाना गा देता हूँ एक लाइन। हम से बेवफाई कैलू गैली पगलाई, जाने दीवाना पागल खाना भेटाई, पागल आवारा मजनू सब ही बोलावेला, तुहरे सुधीरवा के सब गरियावेला, काम नहीं करे अब कवनो दवाई, हमसे बेवफाई कैलू, हमसे बेवफाई कैलू गैले पगलाई। जा जी ऐसा कुछ तो खास नहीं हुआ है, जी थोड़ा बहुत हुआ है जी, पढ़ाई के पीरियड में हुआ था जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय हुआ और मैं हाई स्कूल पास करके संगीत लाइन में आ गया और मैं बनारस आ गया, मैं तैयारी करने लगा और म्यूजिक से मैंने एम्यूज किया है, म्यूजिक से मैंने एलफिल किया है, पढ़ाई किया है मैंने, तो गा देता हूँ। भैरो बाबा मायन पूर्णा, भैरो बाबा रहा न कोई बाकी हो, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। थैंक यू मैडम। एक नई फिल्म काजल मूवी किया गया है यहाँ पर, आप शुभकामनाएं देना चाहते हो? एक्चुअली पता चला है आदित्य मेरे फ्रेंड है, ब्रिज जी मेरे काफ़ी अच्छे जानने वाले, तो मैं इस फिल्म के लिए सबको जितने भी टीम है सबको मैं बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये फिल्म बहुत बहुत सक्सेस। महिला प्रधान फिल्म है, महिला प्रधान फिल्म है, वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली इस टाइम पे हमारे एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री को खासकर जरूरत है महिला प्रधान जो बनते हैं फिल्में और ज़्यादा बनाए ताकि एक्चुअली जो जनता में भी है जागरूकता बढ़े। थैंक यू थैंक यू।
काफी कम उम्र लगती है आपकी और इतनी उम्र है तो कम है बट क्या है आपसे हम लोग खुद जो एक काजल का एक टाइटल जो हमारा काजल एक्चुअली एक जो थैंक यू यंग लड़कियां हैं उन पर अत्याचार हो रहा है सर फिल्म बनी है ये पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मिनट जी सर इधर देखो चलिए ब्रिज जी है और आदित्य मोहन ने काजल जी इन लोग को बहुत सारी बड़ी चलिए भाई चलिए नेक्स्ट आप समझ सकते हैं कि मतलब काजल से मुझे कितना प्यार है जब काजल नाम से मुझे इतना प्यार है इतना प्यार है इतना प्यार है कि मैंने अपनी बेटी का नाम काजल रखा और अब काजल की उम्र बन गई है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे बताया गया है कि एक महिला प्रधान फिल्म है महिला के संघर्ष की कहानी होगी आज के समय में ऐसे फिल्मों की समाज को कितनी जरूरत है कथा कलाकार के तौर पर आप क्या करते हैं बहुत जरूरत है क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा ये हो गया था कि सिर्फ हीरो को लेकर के बनाई जाए फिल्म तो बहुत ऐसा लेकिन अभी ये कुछ सालों से आप लोगों ने देखा है कि फिल्म मतलब बन तो रही है बहुत बड़ी बजट की ये वो लेकिन चल रही है और सेंटर में डालना यूँ पे आ रहा है थोड़ा नीचे कर दें और सेंटर में बैठ जाना नीचे बहुत बड़ी बात है उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ और इस फिल्म के लिए उन्होंने मेरी बेटी काजल को लिया है और मैंने जब इस फिल्म की कहानी सुनी तो मतलब मैं सुनती रही एक भी स्क्रीन में ऐसा नहीं है कि जिसमें काजल ना हो और काजल एक दो अगर सीन में नहीं है तो काजल का जिक्र है तो बहुत मतलब काजल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं काजल को उसी दिन से जिस दिन से हमने ये कहानी सुनी है मैं काजल को काजल मतलब क्या ये ना मतलब जिस फिल्म को लेकर कि तुझे इतना ज़्यादा वर्क करना है और अपने मत दिया रुक जा मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं ऐसे तो है ही हूं और वो नीचे बोल रहे ना बोले सही थी माया जी काजल ने अभी एक अवार्ड भी जीता है हाल ही में अभी काजल को अवार्ड भी मिला है एक माँ कितनी खुश है जब उसकी बेटी इस तरह की कामयाबी को एक माँ कितनी खुश है जब उसकी बेटी को ऐसी कामयाबी मिलती है दुनिया उसे सम्मानित करती है अवार्ड देती है काजल डांसर भी बहुत अच्छी है आप सभी देखा होगा कि काजल कहीं भी अवार्ड मिला है चाहे डांसर का कुछ ये है काजल भी बहुत अच्छा डांस करती है तो मैं बहुत खुश हूँ हाँ बीच में थोड़ा सा हो गया कि ये मतलब जिस तरह से आई और फिल्म में थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है तो मैं यही कहती हूँ कि काजल कम काम करो अच्छे से काम करो और अच्छी फिल्में करो उसमें से एक है ब्रिज भूषण जी की फिल्म जो अभी करने जा रही है काजल और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं सबसे फर्स्ट जो स्क्रीन पे मैं आई तो मुझे आशीर्वाद ब्रिज भूषण जी का ही मिला और ब्रिज जी मुझे मतलब उस फिल्म में भी सिखाए एक्टिंग क्या होती है तो मैंने ब्रिज जी से और ब्रिज जी का जब आशीर्वाद मिल रहा नहीं किया काजल को तो मुझे भी लग रहा है कि अब ब्रिज भूषण जी का आशीर्वाद मिल गया तो अब काजल को कोई नहीं रोक पाएगा महिला प्रधान बहुत अच्छी और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और स्टोरी राइटिंग पे भी मतलब आप ये सारी मूवी से बहुत हटकर है इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है कि जैसे लोग कहते हैं कि सारी पिक्चर्स तो हीरो पे ही बनी है पर ये पहली पिक्चर होगी क्योंकि हीरोइन इसमें बहुत मेन है उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और एक एक डायलॉग जो बहुत ही ध्यान से बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है बहुत मतलब बहुत पावरफुल डायलॉग्स हैं और आदिल जी और व्रत सर सब लोग बहुत अच्छे से मतलब ये पिक्चर में जान लगा के काम कर रहे हैं एंड होपफुली कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बने और लोग
संजय भूषण पटियाला के सभी चाहने वालों को नमस्कार। हमारे बाजू में हमारे दीदी खड़ी हैं, देखिए कितनी खूबसूरत हैं। डॉक्टर रंजू सिन्हा जी कई फिल्में लिख चुकी हैं और हमेशा साफ सुथरा फिल्में लिखती हैं। इधर देखिए दुबे जी खड़ी हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आज जो फिल्म का नाम है काजल और उस फिल्म की हीरोइन भी एक काजल है। फिल्म का निर्देशन हमारे सैकड़ों फिल्म में निर्देशन कर चुके ब्रजभूषण जी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है जैसा कि मैंने सुना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से। फिल्म के अभिनेता आदित्य मोहन जी हैं, दिलीप जी फिल्म में पिताजी का रोल कर रहे हैं। फिल्म में माता का रोल हमारे फेमस एक्ट्रेस माया यादव जी हैं, वो कर रही हैं। जैसा कि आप लोग मालूम है मैं बरसों में खड़े हैं और ये इंटरव्यू में दे रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बूम लगा हुआ है और अंदर प्रियंका सिंह का गाने रिकॉर्ड चल रहे हैं, जिन्होंने गाना गाया था सुने होंगे छलकत हमरो जवानिया ए राजा, लेकिन मेरा जवानी भी छलक नहीं रहा है। ठीक है संजय जी, आज खबर आई है कि आप प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, अभी खेसारी जी के साथ फिल्म करने वाले हैं, कितनी उत्साहित हैं इस बात को लेकर? क्योंकि खेसारी जी ने कहा है कि अमिताभ जब अपने मेकअप मैन के लिए कर सकते हैं फिल्म, तो संजय भूषण के लिए मैं क्यों नहीं करूँगा? बहुत अच्छी बात है, कर हर आदमी को एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। हर आदमी का सपना होता है कुछ और एक्स्ट्रा करे, तो मैं PR भी करूँगा और प्रोड्यूस भी करूँगा, जिसमें हमारे बड़े भाई हमारे सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म में हमारे साथ रंजन सिन्हा जी जो बहुत हमारे बड़े भाई गुरु जी हैं और ये फिल्म 2019 में बनेगी और इसके अधिक जानकारी 2019 में जनवरी में दिया जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही है कि फिल्म का पोस्ट बोलते हैं कहानी भी बन रही है, गाने लिखे जा रहे हैं, जब पूरे हो जाएंगे तो बाकी की जानकारी आपको दी जाएगी। और रही अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन जी जब बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो हमारे अभिनेता सुपरस्टार खेसारी लाल के अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गुजरात में कुछ पीड़ित लोगों के जो बच्चे थे उन लोगों को गोद लिया है। और भी कई ऐसे हमेशा हर महीने दो महीने पर ऐसा काम करते रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, हर लोग उनको टोकते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो कुछ आगे बढ़ने वाले लोग जो होते जो सपोर्ट करते हैं गरीबों को असहायों को, तो उनको हर लोग सपोर्ट करता है। जी सर बताइए। संजय जी सवाल यह है कि खेसारी लाल को आपने कैसे मनाया कि आप प्रोड्यूस करोगे और खेसारी लाल उसमें अभिनय करेंगे, आपने अप्रोच किया है? खेसारी लाल ने खुद कहा कि संजय आप प्रोड्यूसर बन जाओ, मैं आपके प्रोडक्शन में काम करूंगा। एक्चुअली ये वाकया जो हुआ था उसका पूरा जानकारी भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि गुप्त रखा गया है, उसमें खेसारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बस इतना ही बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी उन लोगों का नाम पीछे से ही रखा गया है, बोला गया अभी मार्केट में मीडियम नहीं देना है और कुछ। फिल्म में आपकी हीरोइन कौन होगी, इसे डायरेक्ट कौन करेगा? इस फिल्म की शूटिंग 25 दिन चलेगी और आप लोगों को जानकारी तो चलो एक न्यूज़ में दे ही देता हूँ, इस फिल्म के डायरेक्टर भी 25 होंगे, हर डायरेक्टर एक दिन शूटिंग करेगा। किस तरह की फिल्म होगी, मतलब अच्छी फिल्म होगी ना? अब संजय भूषण पटियाला बना रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बनेगा। फिल्म में 8 गाने होंगे या 10 गाने होंगे, हर गाना का एक म्यूजिक डायरेक्टर होगा और एक लीड राइटर होगा। फिल्म में हीरोइन कितनी होंगी और कौन होंगी? 25 नहीं, उसका 25 और 22 से मतलब नहीं, जो स्टोरी का डिमांड होगा उतनी हीरोइनें होंगी, अभी कहानी जब लिख लेंगे तो वो बताएंगे। फिल्म का बजट 2.5 करोड़ के आसपास आएगा। तो पीआरसी में फिर ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा? मैं पीआरसी में हमेशा करते रहूंगा, उसमें वो नहीं छोड़ने वाला हूँ, जहाँ से मैं खड़ा हूँ उसको क्यों छोड़ूंगा भाई। 2019 क्यों चुना संजय जी, क्योंकि इस साल आपकी शादी होने वाली है? 2019 में बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी का राज चल रहा है और हमारे राहुल गांधी जी के देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा चल रहा है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, तो मैं सोचा चलो मैं भी उसी में कर ले रहा हूँ, कुछ पूछ जाता हूँ कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हीरोइन का नाम क्यों नहीं बताना है? हीरोइन का तो नाम बताइए, 5 बार पूछा गया। अभी क्या है, हमारे बहुत सारे हीरोइन क्लाइंट है, ठीक है, अब एक हीरोइन का नाम बताऊँगा तो सारी हीरोइन भाग जाएगी, इसलिए कीजिए।